हेलो गाइस, वेलकम बैक टू राणा फैमिली ब्लॉग। तो सुबह के बज चुके 6 और मैं उठ चुकी हूँ। मैंने उठने के बाद ये निकाल दिया, मम्मी के साथ मिल के बहस बंद हुआ दी बाहर। और स्वामी ने कल रात को हमें दिया था सरप्राइज़, आप देखना उनके ब्लॉग में। और अभी भी अंदर सो रहे हैं मोहित, सोनू जी और स्वामी जी, तीनों के तीनों अंदर सो रहे हैं। तो एक बार तब तक उठते हैं, तब तक मैं तब तक के लिए मैं झाड़ू पोछा कपड़े ये सब कुछ निपटा देती हूँ और नहा लेती हूँ। हाँ जी, तो राम राम सारा ने। और मैं बिल्कुल नींद में हूँ, अभी उठाऊँ तो वही सबको सुबह के राम राम। और सुबह का टाइम हुआ है 6:30 और मैं मुँह दे रहा था, झाड़ू निकाल रही है और स्वामी और मोहित अंदर सो रहे हैं। वो दोनों सो रहे हैं, मम्मी वहाँ पे अपना मम्मी वैसा कर रहे हैं, पापा खेत में गए, मैं भी अभी जा रहा हूँ। बस मैंने झाड़ू काट दी है, पोछा रह गया। एक मैंने मशीन लगा दी साथ के साथ, पहले कपड़े धोऊंगी फिर पोछा लगाऊंगी, क्योंकि पानी गिल्ला हो झाड़ के सारे खिल जाए। अरे ये भी उठ कर आगे, अरे इसके भी बुखार हो गया। अभी बना रही हूँ मैं चाय, इसमें मैंने लौंग, इलायची, अदरक और थोड़े तुलसी के पत्ते डाले हैं, क्योंकि सोनू जी के गले में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है और शायद थोड़ी थोड़ी मेरे में भी होने लग गई है। आज गला दुख रहा है तो इसलिए। क्या बात मार के जाओगा? मारो ना मम्मी, कमेंट करके बताइए बड़ा कहीं होगा इसलिए। इनकी तो बात जाए, इनकी जाए। अरे स्वामी दी भी उठ ली थी, मैंने चाय बना कर दे दी, मम्मी अड बैठी है अब बूंदी सकल के। अरे मैंने अपने इतनी सेब काटी है। स्वामी दी बोली आज घिया का रायता बनाओ, मैंने घिया कट कर दी, ये भी इसका रायता बनाऊंगी, इसने उबाल दो एक बारी में। और स्वामी दी अड बैठी है और मम्मी कित कर रहे हैं, मम्मी आर्डर भीतर कमरे में काम लग रही है। और मैंने अपना सारा काम कर दिया आज, अपना सारा काम निपटा दिया, ढेर सारे कपड़े धो दिए, झाड़ू काट दी, पोछा मार दिया, कासे मार दिए, घिया उबाल दी और बेरा नक्के के काम कर दिया मैंने। और मैं 7:30 बजे ठान गई थी स्वामी दी ने माँ उठ लो है, और उन बोली हाँ है फिर सो गए। फिर के नहीं तो मैं तेरे तक खुद कह सोई थी, मैंने 7 बजे तो उठा दिए कैसे भी करके, मैंने कही थी ना तेरे से। फिर मेरी खुद आखना खुली नींद में इतनी थी, पता नहीं कैसे। अरे मोहित सुबह उठते ही युगर लग गया, मैं ठाया कौन नहीं थी, हम रात को नहीं आवा गांव को नहीं गए। हां वो फाक पर छोड़ के जबरदस्ती सामने रहे, अब थाने में जानबूझ के ये दोनों देवर भाभी बनाने लगे हैं वीडियो। मम्मी सोने लग रही है उधर। तो भाई आज मैं कर रहा हूँ स्प्रे, पापा यहाँ हो रहे और आवाज़ को इग्नोर करना क्योंकि ये मशीन की आवाज़ चल रही है। ये देख लो भाई, धूप में ये हाल हो जाता है खेत में, गर्मी भी आज बहुत है, कभी धूप हो जाती है कभी छाए। मोहित को आना था, मोहित आया ही नहीं, बाबू जी बोला 5 बजे आऊँगा खेत में, उठा ही नहीं इतनी। शूट आज वैसे नहीं किया सुबह से खेत में, तो मैं हूँ 6:30 बजे से, 7 बजे से पहले आ लिया था, पर पहले कुछ वो करवा रहे थे ठीक, मोटर पानी नहीं उठा रही थी। मोहित दिख रहा हो तो धान्य पे खड़ा पापा के साथ, ईब आया है। गर्मी ज़्यादा थी, मम्मी भी स्वामी दी भी मोहित भी हम तीनों ना चारों अंदर आ गए। सोनू बाहर क्यों है? उन्हें कह है कि सवाल वा के आया हूँ ना मैं इबे। हाँ मम्मी सोनू भाई का भी बुखार हो गया, वही पहला मम्मी का था फिर नहीं दिखा है, सोनू भाई का हो गया, 2 इंजेक्शन लगवा के आया है। इसके बुखार करके इसने ले जाए, छोटा भाई मेरा न्यू ना ये इसके इसके बुखार करके फिर भेजेंगे इनाम छोटा से। अरे मैं इसके दो कोनी मारूंगा पल्ला। तो अब आ गए अंदर, एप्पल काटते नहीं दिखाओगी
और बस भाई आज बहुत गर्मी है, ऐसा कुछ स्पेशल करने ही नहीं ना, तो किचन में कुछ कर सकते स्पेशल। मम्मी भैंस का काम करके आई है, जो भी डालना था सब वो डाल आई, और हम लेट गए हाँ। पापा बाहर कमरे में आया ही ना, अंदर बोला मैं गर्मी में मर लूंगा, मैं ना आऊं था, हमने मेरा शरीर खराब कर दिया ये, और हम तो आज बाहर ही ना निकल रहे, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ही ज्यादा गर्मी है आज तो। खाना आया था बीरबल की खिचड़ी है, यो पतीला बेकार बना रहे हो था मैं। हम क्यों बेकार बना रहे हैं, हमारा डेली का काम है सना, अच्छा क्या बना दी तो कती जाओ मोल लेना हो रहा, हमने सारे कप हम बराबर गा लिया अच्छा, कितने जाते तेन ट्रे में खिला दिया बेसुरे तू ज्यादा है। मैं और स्वामी दी काट रहे सब्जी, स्वामी दी पेठा काटे हैं, मैं प्याज काटू हूँ, फिर मैं टमाटर काटूंगी, इतने वो पेठा कटेगा, और फिर हम भी तो है कुछ जरूरी ना है, आमचूर पाउडर डाल लो अगर हम भी हाँ है आमचूर पाउडर डाल दें, आज बनेगी हमारे पेठे की अरे प्याज की सब्जी, हम पूरी नहीं बनाओगे कदे को, सानू सोचा ये पूरी बनाओगे राल गिर दे ना कते नहीं, गर्मी बहुत ज्यादा भाई आज जो गर्मी रही है ना बस, फिर जब तक मैं किसी बार आ रही है ना मौसम ठंडा हो जाया करता, मैं जब भी आया करती पानी गिरा है मैंने तो पी लिया, एक नहीं देगा पीने का, मुंह का लगा हुआ टाणा नहीं है, ये बता दी है नहीं मम्मी तोड़ेगी गिर के तने, पहले बीच में ना सही मोटी हो गई थी, और ईव दूध पीकर राजी नहीं, मम्मी इसने धमका धमका कर दूध पिया है, दूध पी ले दूध पी ले दूध पी ले, फिर मम्मी ने नहीं घड़ा तार दिया मेरे भीतर में। अच्छा उब गई तू है हाँ। प्याज के हाथ थे मेरे, ये फालतू बोल रहा था। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो रही, अभी भी दवाई लेंगी, पता नहीं कब ठीक होएंगी यार, इस करके कहीं जाने का भी मन नहीं कर रहा, नहीं तो ये था कि रोहतक या कहीं पे घूम आएंगे, पर इनकी तबीयत ही सही ना हो रही। मम्मी चले दिखाने हैं, दिखाने चले क्या, दिखाने के लिए बोलते हैं, मैं सबसे बड़ी कमी ये है दिखाने की, हम दिखाने के लिए आए थे स्पेशल, पर डाइनर एक जबरदस्ती के ऊपर ठाक ले जाऊं गाड़ी में गिर मोई ठाक है ना 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 ना, अरे नहीं आ रहे तो भाई बाबी बना रही है मेरे लिए सब्जी, जब इसकी बहू आओगी ना स्वामी जी याद रखियो कदे न्यू नहीं कहानी, इतने सब्जी बढ़िया बनाई थी, कितनी बढ़िया बना दी, कितना आंगा ला के बना दियो, हुआ की बात है कहनी नहीं है, मैं बे हम तक आगे तेरी भी बढ़िया बताओ ते तू मुर्गा अच्छी लग रहे यू, फिर भी बेस्ट कर चुन्नी ओढ़ के करेगी यार, ले पकड़े यह सब्जी काट दी मैंने, होगी रेडी, ये भी इसने बनावांगे। मम्मी आपको कुछ पड़े आराम दवाई ली पीछे, आराम है पहले तो ठीक, अरे मम्मी का आज पेट में दर्द हो गया, बीमारी तो उस तो ठीक हुई थी तो दूसरी बीमारी लग गई, मम्मी चून भी वह स्वामी दी अड़े सब्जी बनाओगी और मैं बाहर चूल्हे पर रोटी की तैयारी करूँ, आग बाल के आऊँगी बनावे हैं चूल्हे पर, मैं नया आग स्टार्ट करूँ थी, फिर आग मेरे पोई को नहीं पन्नी पेरा ने किसी थी, तो मैं घी ले आई कुरदान ले आई रोटी ले चून ले आए सारा सामान ले आई, मम्मी रोटी बना देगी, अंदर स्वामी दी सब्जी बनावे है वो भी दिखा कहती हूँ, मम्मी उड़े रोटी बनावे है स्वामी दी सब्जी बनावे है, देखेगी सब्जी और प्याज और ईब कपड़े चेंज कर चढ़ गया था, तो सासू को बीमार है तो ननद का काम क्या हुआ है थोड़ी हेल्प करवाना है, आप हेल्प करवाना आए हो, थोड़ी हेल्प करवाना आए हो, मैंने पर जिसका जो करया ना ये तोड़ गए वो मिस्त्री अपना कम कर,
निधि काटने लगी सैलड। निधि का तो जोर हाल हो गया। अरे मम्मी बनाने लग गई रोटी। इतने दिन हो गए थे जो गर्मी आज लग गई ना। अरे आज तो पूरा दिन इसी में भी रहे हैं। जो गर्मी आज लग गई इसी गर्मी नहीं लगी थी। पूरा दिन इसी में रहे हैं जब यो हाल रहा है। आप एक चीज नोटिस करियो, या निधि बैठी और मैं यो बैठी और या मम्मी बैठी, भाई साहब ने पंखा लाया है सिर्फ अपनी भाभी श्री के ऊपर है। और मारे मारे दौरे मम्मी मारे आगे ये लड़े जाएंगे दोनों जड़े। और देख ले एक दूसरे की केयर भी करे इसी बात ना है भाई। देवर भाभी देख मम्मी मोहित की ते मोहित बाहर है। मोहित हाँ आसकी के चक्कर में बढ़ रहा होगा फोन नहीं पता। और इसने काम के है फोन जो भीतर भी ना तेरे फोन देख तेरी खाट पे कितने फोन नहीं है। हाँ फोन बना के तने वो है। आड़े स्वामी दी लेटी हैं, आड़े ये सोवे हैं, उड़ पापा सोवे हैं। है मी इसकी ये भाई इसकी बन्नो आन दो मम्मी फिर देखियो। कासन कासन नहीं और लैटरिन बाथरूम जरूर धोवाऊंगी और चेकिंग में करवाऊं चाहे ना करवाऊं। तो भाई इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अभी सोने का टाइम हो गया, 10 का टाइम हो गया है तो सो जाते हैं। और जब जिसने निधि के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सारे कर लेना, कमेंट तो सारे भर भर के दे दिया करो यार। जितने भी गम आ गए ना सारे सपोर्ट करो बढ़िया तरीके से। और पक्कस में आ रहे थे कति सारे के सारे, कति एक बंदा भी नहीं छूटना चाहिए। नू देख के मत जान दिया करो, नू देखा करो गांव की है भाई तो सारे जने लाइक करा करो। मन्ने तो देख के इतने जड़े हैं ये बेचारे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाहर बैठे थे। चलो मैं एक ड्राइवर भाभी की नहीं चलती रहती। हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।